स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैं अपने 14 मंथ्स के बेबी को क्या क्या चीजें देती हूँ खाने में। तो उसको अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से डेली कुछ ना कुछ नया उसके लिए बनाती हूँ, जो उसके लिए हेल्दी हो, जो उसको फायदेमंद हो उसके लिए। तो जो आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों वो है ये ओट्स, क्रीमी ओट्स। तो आपको इसकी रेसिपी दिखाते हैं, वैसे अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसके हर एक फूड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए मैं जो जो चीजें बनाती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बनाने जा रही है सफोला का ओट्स, ये क्रीमी ओट्स है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाती हूँ मैं, अपने तरीके से इसको अपना वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग भी अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं। मेरी बेबी इसको बहुत अच्छे से लाइक करके खाती है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो आइए दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ इसको। तो दोस्तों ओट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध, उसके साथ चाहिए ओट्स, और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ डेट्स, ये ड्राई डेट्स है। तो आपको जैसे पता है कि बच्चों के लिए शुगर अच्छा नहीं होता है, तो मैं इसमें शुगर चीनी कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो मैं शुगर की जगह थोड़ा सा मिठास लाने के लिए डेट्स का यूज करती हूँ। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर उनको नहीं पसंद है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ये डिनर में मैं बना रही हूँ, अगर लंच में आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई सीजनल फ्रूट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अगर में बनाती हूँ तो मैं इसमें काव्या के लिए बनाना चाहे एप्पल की प्यूरी ऐड कर देती हूँ, बट अभी एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, जो ओट्स और दूध का जो रेशियो है वो दोस्तों 2:1 का रेशियो रखना है। अगर 2 कप आपने दूध लिया है तो 1 कप आपको ओट्स लेना है, बाकी आपके जितना क्वांटिटी में बनाना चाहे उस हिसाब से। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओट्स बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दूध, दूध को हमने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है पैन में। तो जैसे ही एक बार ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें हम डालेंगे डेट्स। तो जो डेट्स हमने लिए थे उसको अच्छे से कट कर दिए स्मॉल पीसेस में। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड या क्रश भी कर सकते हैं, बट ये गर्म दूध के साथ अपने आप मेल्ट होने लगता है। और मेरी बीबी अब थोड़ा सा चुई करने लगी है तो मैं इसी तरीके से डालती हूँ, और इसको डालकर हम अच्छे से इसको मिलाते रहेंगे और 1-2 मिनट तक अच्छे से उबाल आने देंगे। इससे क्या होता है, जो डेट्स है वो पिघलने लगता है और वो दूध के साथ मेल्ट हो जाता है और मिल जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर हम लगातार इसको मिलाते हुए छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 मिनट हो चुके हैं, जो खजूर है वो अच्छे से मेल्ट होने लगा है दूध में। तो हम इसको ऐसे ही चलाते हुए 1-2 मिनट और बॉईल करेंगे जिससे कि जो खजूर है वो अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो दूध का कलर है वो ब्राउन होने लगा क्योंकि खजूर इसमें मेल्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से 1-2 मिनट और हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें ओट्स मिलाएंगे। दूध और खजूर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब बारी है इसमें ओट्स डालने की। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच के करीब ओट्स डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया रेशियो 3:1 का रेशियो रखना है। तो ओट्स डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और फ्लेम एकदम कम ही रखना है, और कम फ्लेम पर अच्छे से इसको 3 से 4-5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि जो ओट्स है उसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो दूध और ओट्स है वो एकदम ठीक होने लगा है। ओट्स हमारा अच्छे से पक चुका है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम गाढ़ी हो गई है। तो आपको इसी कंसिस्टेंसी पे इसको निकाल लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। तो जो ओट्स दूध है वो अच्छे से मिल चुके हैं, डेट्स में उस पर अच्छे से मिल चुके हैं। तो लीजिए, हमारा जो ओट्स है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए और अपनी बेबी को खिलाइए। ओट्स दोस्तों बेबीज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स है, इससे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और बेबी के ब्रेन और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, तो आप इसे बेशक अपनी बेबीज को दे सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ओट्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, ये सब कुछ है जो कि बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं जो ओट्स है वो एकदम बनके रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपके बच्चों को इसका टेस्ट तो पक्का पसंद आने वाला है। और आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहे तो अपनी तरफ से अपने बच्चों के टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। मैं अगर दिन के टाइम में ये बनाती हूँ तो इसमें कुछ भी सीजनल फ्रूट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो कोशिश करती हूँ एड ऑन कर देने के लिए, बट रात के टाइम फ्रूट्स अवॉइड करती हूँ। तो आप इसमें बनाना हो जाए, मैंगो हो जाए, या फिर क्या कहते हैं चेरी है,
या फिर जो भी फ्रूट सीजनल फ्रूट्स आपके बच्चों को पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। एप्पल की प्यूरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। तो अभी मैंने आपने देखा कि जैसे मैंने इसमें स्वीटनेस बढ़ाने के लिए मैंने इसमें खजूर डाला है तो वो भी हेल्दी है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा कॉमेंट करिएगा। और इसी तरीके की वीडियोज अगर आपको देखनी होगी तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो पक्का उसी पे लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।